UPPSC इस वीडियो में हम यूपीपीएससी प्री 2024 के लिए क्विज नंबर फोर करेंगे ये आपका UPPSC के एग्जाम के लिए आर ओ या पी सी पीसीएस एग्जाम है उसके लिए है तो बेसिकली इसमें क्या है आपके पीवाई क्यूज के क्वेश्चन है और प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चन है बाकी ये आप प्रम्स कोर्स देख सकते हैं और जितने आपके न्यू क्वेश्चन है न्यू फॉर्मेट है और जितने भी सारे न्यू क्वेश्चन हैं तो वो आप टेस्ट सीरीज से कर सकते हैं तो ये पूरा आपका प्रिलम्स का कोर्स है इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप इसको कर सकते हैं और अगर स्टिल आपके पास अभी टाइम है कि अगस्त के महीने में अगर आपका फिफ्टी परसेंट भी अगर प्रिलम्स का सिलेबस आपका कॉन्फिडेंट है आप या कम्प्लीट हो रखा है तो मीन्स वन या मीन्स टू इन दोनों में से एक जो है आप उसको अभी भी कम्प्लीट कर सकते हैं बाकी अगर आप टॉपर्स की कॉपी देखना चाहते हैं तो यहाँ टॉपर्स टेलीग्राम पे कॉपीज हैं और प्रीलिम्स में जो है डायरेक्ट वन जीरो टू क्वेश्चन आए थे यहाँ इसको वेरीफाई कर लीजिएगा इससे ये भी पता चलेगा कि पिछले साल किस टाइप के पेपर आए हैं तो इस वाली पी को थोड़ा बार बार देखते रहिए क्वेश्चन भी समझ में आ जाते हैं तो पहला क्वेश्चन है विट वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एम्पावर टू मेक लॉ फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग बिसाइड द इन्फेंट्स एंड माइनर इन इंडिया तो कौन है एम्पावर्ड लॉ फॉर द इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग तो इसका आंसर है आंसर सी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जो लॉ बनाते हैं इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग के लिए तो इसका आंसर हो गया आंसर सी नेक्स्ट है हु इज़ द हाइएस्ट सिविल सर्विसेज ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हाईस्ट सिविल सर्विस ऑफिसर कौन है इसका आंसर है आंसर बी कैबिनेट सेक्रेटरी तो कैबिनेट कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो हाईएस्ट सिविल सर्विस ऑफिसर है तो इसका आंसर हो गया आंसर बी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी जो है वो कौन से वाले एक्ट ने इंट्रोड्यूस की थी तो इसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रसी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थर्टी फाइव से हुआ और इस एक्ट में क्या था इट दिस एक्ट वेस्टेड द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द प्रोविंस इन द गवर्नर तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो थी प्रोविंस की इन द गवर्नर तो बेसिकली इसमें क्या था कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट ऑटोक्रेसी और जो सेंटर की थी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द प्रोविंस इन द गवर्नर थी एंड ऑफ द सेंटर सेंटर की जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी थी वो किसके पास थी गवर्नर जनरल के ऑन बिहाफ ऑफ द क्राउन ऑन द बिहाफ ऑफ द क्राउन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी तो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थर्टी फाइव तो इसका आंसर हो गया आंसर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज द पावर टू मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पज ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट नाइनटीन एटी नाइन तो किसके पास पावर है टू मेक रूल फॉर कैरिंग आउट द पर्पज ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट तो किसके पास पावर है इसका आंसर है आंसर बी सेंट्रल गवर्नमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट फॉर रूल्स बना सकता है फॉर कैरिंग आउट द पर्पज ऑफ दिस एक्ट तो दिस ये जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है इसका आंसर हो गया आंसर बी नेक्स्ट है द टू यूनियन टेरिटरीज विच हैव गिवन द राइट टू टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया बाय द सेवेंटी सेवनटी एथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो कौन सी दो यूटीज हैं जिनके पास पावर है कि वो इलेक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट में पार्टिसिपेट कर सकें तो इसका आंसर है आंसर बी दिल्ली एंड पुदुचेरी तो देखो जब आपका इलेक्शन होता है ट का तो उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स देन आपके इलेक्टेड एमएलए हो गए मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड और फिर दो यूटीज तो ये आपके पार्टिसिपेट करते हैं तो ये स्टेट के और दो यूटीज़ के ये सारी तो ये दिल्ली और पुदुचेरी तो इसका आंसर हो गया आंसर बी तो यहाँ जो जो बेसिकली क्या है जो स्टेट्स आपका है ना कि स्टेट्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आपका लिखा होता है कि वो पार्टिसिपेट करेंगे तो यहाँ स्टेट का मतलब होता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुद्दुचोरी ये आपका 70th 70th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है नाइनटीन उससे आया था तो अभी ये क्वेश्चन हम देख ही चुके हैं प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इसका आंसर क्या है आंसर डी बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली तो मैंने अभी आपको क्या बताया था इलेक्टेड एम तो एम आपके कहा हुए दोनों जगह राज्यसभा भी और लोकसभा भी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हेयर द स्टेट ऑल्सो मीनस द यूनियन टेरेटरी ऑफ डेली नेशनल कैपिटल ऑफ डेली एंड यूनियन टेरेटरी ऑफ पुदुचेरी तो इसका आंसर हो गया आंसर डी नेक्स्ट क्वेश्चन है चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया इज नॉट एलिजिबल टू वोट इन द प्रेडेंशियल इलेक्शन तो चीफ मिनिस्टर नहीं एलिजिबल होगा प्रेजिडेंशियल इलेक्शन में इफ तो हमने क्या बात करी कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कौन कर सकते हैं इलेक्टेड एमपीस आपके एम हो गए इलेक्टेड तो ये हुए तो इसमें से कौन सा एलिजिबल नहीं होगा तो ये है ही इज अ मेंबर ऑफ अपर हाउसेट ले तब नहीं होगा एलिजिबल तो एम एल सी हो जाएगा तो वो एलिजिबल नहीं होगा तो आर्टिकल फिफ्टी फोर के अंदर तो बताया क्या है कि प्रेजिडेंट कैसे इलेक्ट होगा प्रेजिडेंट तो उसमें इलेक्टेड में बोथ हाउस इलेक्टेड मेंटिव असेंबली ऑफ द स्टेट तो अगर चीफ मिनिस्टर अगर अपर हाउस से है लेजिस्लेटिव काउंसिल से तो नहीं होगा तो इसका आंसर हो गया सी नॉट एलिजिबल में सी नेक्स्ट है टू होम डज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस हिज रेजिग्नेशन तो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया किसको अपनी रेजिग्नेशन एड्रेस करते हैं तो इसका आंसर है आंसर बी वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया तो आर्टिकल फिफ्टी सिक्स में फिफ्टी सिक्स में ये है कि द प्रजिडेंट एड्रेस इज रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल फिफ्टी सिक्स फिफ्टी फोर में क्या था इलेक्शन के बारे में फिफ्टी सिक्स में क्या है रेजिग्नेशन के बारे में नेक्स्ट है द वैकेंट पोस्ट ऑफ द प्रेजिडेंट इज टू बी फिल्ड विद इन तो प्रेजिडेंट की वैकेंट पोस्ट है वो कितने दिन में फिल्ड होगी इसका आंसर है आंसर बी सिक्स मंथ्स में तो आर्टिकल आपका सिक्सटी टू कॉन्स्टिट्यूशन का ये बताता है कि द वैकेंट पोस्ट ऑफ द प्रेजिडेंट शुड बी फिल्ड विद इन सिक्स मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अकरेंस ऑफ द वैकेंसी जिस दिन वैकेंसी अकर होगी उससे सिक्स मंथ्स के अंदर जो है आ, पोस्ट फिल होने चाहिए और वैकेंसी किसके किस बिहा किस, भी किस उस उस रीजन से डेथ रेजिग्नेशन और रिमूवल इन तीनों चीज़ों से नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस द पोस्ट ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉल वेकेंट एंड देर इज नो वाइस प्रेजिडेंट ऑल्सो हु अमंग द फॉलोइंग वुड बी एक्टिंग प्रेजिडेंट तो प्रेजिडेंट है उनकी पोस्ट वैकेंट हुई कोई वीपी भी नहीं है वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो फिर पोस्ट किसको मिलेगी तो पोस्ट किसको मिलेगी इसका आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट तो जो ये पोस्ट है वो मिलेगी सीजीआई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और अगर सपोज अब हमारे पास सीजीआई भी नहीं है सपोज कि इन द एब्सेंस ऑफ सीजीआई फिर क्या होगा सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट तो ये होगा ये नहीं है तो ये ये नहीं है तो ये और ये नहीं है तो फिर ये तो इस हिसाब से तो इसका आंसर हो गया आंसर डी नेक्स्ट है ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर इन इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर वेस्टेड इन तो सारी एग्जीक्यूटिव पावर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर वेस्टेड इन इसका आंसर है आंसर सी प्रेसिडेंट तो जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव डिसीजन होते हैं वो लिए जाते हैं इन द नेम ऑफ द प्रेजिडेंट इन द नेम तो क्या ये फिफ्टी थ्री के अंदर है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेजिडेंट तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन जो है शेल वेस्टेड इन द प्रेडेंट एंड शेल बी एक्सरसाइज बाई हिम और हर आई डायरेक्टली और थ्रू द ऑफिसर अबॉर्डिनेट तो टू हिम इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन या तो डायरेक्टली या इनके नीचे जो ऑफिसर्स हैं तो आर्टिकल फिफ्टी थ्री के अंदर है तो हमने आर्टिकल फिफ्टी थ्री में क्या पढ़ा एग्जीक्यूटिव पावर फिफ्टी फोर में हमने क्या पढ़ा था इलेक्शन अभी फिफ्टी फोर में हमने इलेक्शन पढ़ा था और अभी हमने एक और आर्टिकल पढ़ा था आर्टिकल सिक्सटी टू पढ़ा था जिसमें वैकेंट पोस्ट के बारे में बात की गई थी फिफ्टी सिक्स पढ़ा था जिसमें रेजिग्नेशन की बात की गई थी तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं प्रेजिडेंट से रिलेटेड इसका आंसर हो गया आंसर सी नेक्स्ट है हु द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑल्सो एक्टेड एज द प्रेजिडेंट तो इसका आंसर है आंसर बी जस्टिस एम हिदायतुल्ला तो क्या थे प्रेजिडेंट नहीं उसके बाद हमारे वीपी नहीं तो उसकी जगह कनेक्ट करेंगे सी जी आई तो जस्टिस एम हिदायतुल्ला तो आप मुझे बताएंगे ये कौनसा वाला केस था मैं आपको हिंट दे देती हूँ एक uh, 1969 के आसपास की बात है ये जब ये हुआ था तो आप बताएंगे कि उस टाइम uh, किन प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट हुई थी तो जो जस्टिस एम हिदायतुल्ला हैं वो uh, जो सीजीआई उन्होंने एज़ सब किया था एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट तो इसका आंसर बताएंगे तो इसका आंसर है आंसर बी हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा राज्यसभा के चेयरमैन कौन है तो ये कौन होते हैं आंसर बी वाइस प्रेसिडेंट तो वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा और एक ध्यान रखना कि ही इज नॉट अभी तो ही ही है तो he or she is not the member of the upper house. Upper house के member नहीं होंगे वो Next है Prime Minister of India is तो Prime Minister of India जो है वो appoint होते हैं देखो जो हमारे Prime Minister होते हैं तो सबसे पहले क्या है MP का election लड़ते हैं वो member of parliament का एम का इलेक्शन रख रखते हैं तो विद इन द पार्टी फिर उसके बाद चूज़ किया जाता है कि ये जो है आ, इनको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे तो फिर उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर जो बनते हैं वो आपके बनते हैं वो अपॉइंट होते हैं बाय द जो प्राइम मिनिस्टर जो बनते हैं वो अपॉइंट होते हैं बाय द प्रेजिडेंट तो अदर मेंबर जो है अदर मेंबर भी अपॉइंट होते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर वो किसमें लिखा हुआ है आर्टिकल सेवेंटी फाइव के अंदर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ओनली टू द लोकसभा तो आर्टिकल सेवेंटी आर्टिकल सेवेंटी फाइव सब क्लॉस थ्री के अंदर यह है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है टू द लोकसभा ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया कैन मूव तो कौन सा मोशन है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इंडिया में वो मूव कर सकते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो इंडिया में मूव कर सकते हैं वो है कॉन्फिडेंस मोशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया कैन मूव कॉन्फिडेंस मोशन नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है आपका सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है और जो जो गवर्नमेंट है वो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस लेके आती है इन लोकसभा जब उसे अपना कॉन्फिडेंस प्रूव करना होता है या सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन द हाउस ऑफ द पीपल तो जब आप उसको अपना सपोर्ट सपोर्ट दिखाना होता है या कॉन्फिडेंस दिखाना होता है तब वो लेके आती है कॉन्फिडेंस मोशन इसका आंसर हो गया आंसर डी द नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर रिक्वायर टू टेबल नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज तो कितने नंबर चाहिए तो इसका आंसर है आंसर सी फिफ्टी तो मिनिमम जो है फिफ्टी मेम्बर जो है रिक्वायर होने चाहिए टू टेबल अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो अगेंस्ट द काउंसिल फिफ्टी मेम्बर्स होने चाहिए तो इसका आंसर हो गया आंसर सी नेक्स्ट है इन इंडियन पॉलिटी एग्जीक्यूटिव इज सबॉर्डिनेट टू इंडियन पॉलिटी में जो है एग्जीक्यूटिव किसके सबॉर्डिनेट है तो इसका आंसर है आंसर बी लेजिस्लेचर तो इंडियन पॉलिटी में क्या है जो एग्जीक्यूटिव है वो सबॉर्डिनेट है लेजिसलेचर के पहले लेजिस्लेचर है फिर आपका एग्जीक्यूटिव है तो पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इस कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उसमें आपके कैबिनेट मिनिस्टर हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं और जो ये हैं तो दीज आर द देरी एग्जीक्यूटिव दीज आर द एग्जीक्यूटिव बट टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव एंड दे आर करेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा तो आपका लेजिस्लेटिव ऊपर है फिर उसके बाद आपके एग्जीक्यूटिव हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द मेंबर ऑफ लोकसभा ड्यूरिंग हिज प्राइम मिनिस्टरशिप तो इसमें से कौन से जो हैं मेंबर ऑफ लोकसभा थे ड्यूरिंग हिस्स प्राइम मिनिस्टरशिप तो जो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी मेंबर ऑफ़ लोकसभा हैं जो इससे इस पहले वाले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जो मनमोहन सिंह वो मेंबर ऑफ़ राज्यसभा थे लेकिन इनमें से कौन जो है वो लोकसभा के मेम्बर थे अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप में तो इसका आंसर है आंसर सी चंद्रशेखर तो मनमोहन सिंह जो है वो राज्यसभा के थे आई के गुजराल और देवगोडा भी वो राज्यसभा के थे जो, जो चंद्रशेखर हैं वो प्राइम मिनिस्टर थे 1990 से 1991 और कौन सी कौनसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बलिया कॉन्स्टिट्यूएंसी से उत्तर प्रदेश में नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर टू बी द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो पहले लॉ फर्स्ट लॉ ऑफिसर किसको बोला जाता है तो बोला जाता है आपका अटॉर्नी जनरल तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो है यूनियन में अटॉर्नी जनरल और ये स्टेट में कौन से होते हैं फर्स्ट लॉ ऑफिसर ये होते हैं एडवोकेट जनरल तो आर्टिकल सेवेंटी सिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है आपका अटॉर्नी जनरल के बारे में लिखा गया है नेक्स्ट है फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अना शोला आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु सराउंडेड बाय द मतिकेतन शोला नेशनल पार्क एंड चिन्हार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज कंसिस्ट ऑफ द माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट एंड मॉइस्ट डेसिडीज यस फॉरेस्ट तो इसका जो आंसर है पहला गलत है क्योंकि इट इज सराउंडेड बाय इरावी कुल्लम नेशनल पार्क चिन्नार और पेम्पादू तो यहां है तो अनामुदी शोला नेशनल पार्क दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है इट कंसिस्ट ऑफ आपका माउंटेन ये सारी चीजें इट कंसिस्ट ऑफ और दूसरी चीज क्या है ये तमिलनाडु में नहीं है इट इज इन द स्टेट ऑफ द केरला अनामुदी शोला पार्क इज इज इन द स्टेट ऑफ अ केरला इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में है केरला में नेक्स्ट क्वेश्चन है को गोरमा रिसेंटली न्यूज बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन देखो अभी जो है आ, आपका माली बुर्किना फासो और नाइजर ने एक ऑप्ट आउट कर लिया था अफ्रीकन एक इंटरनेशनल ग्रुपिंग से तो उसके बाद उन्होंने एक ग्रुपिंग ज्वाइन करी जिसका नाम है लिप्ताको गोरमा और बेसिकली ये कहाँ है ये है वेस्ट अफ्रीकन रीजन में तो वेस्ट वेस्ट अफ्रीकन रीजन में जो है ये है तो इन लोगों ने एक मिलिट्री uh, जो लीडर्स हैं उन्होंने एक पैक्ट साइन किया है बेसिकली uh, इसका नाम है लिप्ताको गोरमा तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम इस वाला जो क्वेश्चन है ये लिप्ताको गोरमा दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये वेस्ट अफ्रीकन रीजन में है ये एंड कंट्री कौन कौन सी हैं इसकी मिलिट्री लीडर्स ऑफ माली बुरकिना फासो एंड नाइजर इन लोगों ने एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट वो साइन किया है जिसका नाम है लिप्तिका गोरमो चार्टर और ये कहाँ किया है माली की कैपिटल क्या है बमाको तो माली की कैपिटल बमाको तो कैपिटल देख लेना इन सब की माली की तो बमाको है यहाँ इन लोगों ने साइन किया है तो बाकी जो जिहादी टेंडेंसी जो है आ, इन एरिया में डेवलप्ड हुई थी 2012 में माली वाले एरिया में और 2015 में पंद्रह में नायजाबा फासो तो ये है तो ये वेरी इम्पोर्टेंट है इसको आप देख लेना कंट्रीज़ के नाम याद कर लेना अच्छा एक इस, इससे एक चीज़ और थी इम्पॉर्टेंट कि आ, मतलब सारी शुरू कैसे हुआ ये कि बुर फासो माली और नाइजर ने बेसिकली अपना इकोवास वहाँ से इसको वहाँ से इनकी जो मेंबरशिप है वो सस्पेंड हो गई थी तो यहाँ से इन लोगों ने विदड्रॉ कर लिया था इंसर्जेंसी और इन सब के रिलेटेड तो यहाँ से इन लोगों ने विड्रॉ कर लिया उन्होंने कहा कि मैं हम अपना एक नया खुद से अपना एक पैक्ट बनाएंगे और ये इन लोगों ने पैक्ट बनाया है और यहाँ से विड्रॉ कर लिया था तो ये भी आ सकता है कि कौन से रीजनल ब्लॉक से विड्रॉ किया था किसने विड्रॉ किया था कौन सा पैक्ट बनाया था किसने बनाया था और उसका नाम क्या है और किस एरिया में है और कहाँ बना था तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेबीज तो रेबीज तो रेबीज फर्स्ट इज अनेटिक वायरल डिजीज विद एक्सेप्शन ऑफ एंटार्टिका रेबीज इज एंडेमिक ऑन ऑल कंट्रीज एट प्रेजेंट देर इज नो वैक्सीन फॉर रेबीज तो रेबीज इज अनेटिक वायरल डिजीज सही है जुनेटिक वायरल जुनेटिक क्या होता है कि कोई भी डिजीज़ जो एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफर हो रही है एनिमल टू ह्यूमन दैट इज़ यूनिटिक वायरल डिजीज़ और ये रेबीज़ वायरस से होती है रेबीज़ इज़ बेसिकली अ वायरस और इसमें जो रेबीज़ है सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक डॉग्स जो आपके डॉग्स होते हैं वहाँ से सबसे ज़्यादा होता है बेसिकली तो ये एंडेमिक ऑल कंट्रीज़ है तो वैक्सीन तो है तो इसका आंसर हो गया आंसर बी नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ध्रुव ध्रुवास्त्र मिसाइल ध्रुवास्त्र मिसाइल तो इसका आंसर है इट इज अ लॉन्ग रेज सरफेस टू सरफेस हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम इट फायर एंड फॉगेट मिसाइल हैज़ अ मिनिमम रेंज ऑफ फाइव मीटर मैक्सिमम ऑफ सेवन किलोमीटर तो पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेन मिसाइल सिस्टम है और ये शॉर्ट रेंज है इट इज़ अ शॉर्ट रेंज एयर टू सरफेस एयर टू सरफेस और इसको डेवलप किसने किया है डी ने और बाकी सही है ये इस इमेजिंग इन्फ्रा सीकर and operate in the lock before the launch and fire and forget missile hai, minimum 500 meter and maximum 7 kilometer consider the following statement about Rwanda Rwanda se related statement hai, it is a landlocked country through which equator passes in the great rift of the valley of the central Af Africa and uh, Rwanda is uh, इज बॉर्डर्ड बाय युगांडा, तंजानिया वरुंड और फिर उसके बाद केन्या। तो ये स्टेटमेंट है तो इस क्वेश्चन को करने से पहले या तो अपने गूगल पे आप अफ्रीका का जो है मैप खोल लो या अपनी एटलस पे अपना मैप खोल लो और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को करना वो ज़्यादा सही रहेगा पहली बार तो ये क्वेश्चन हम मैप से ही करेंगे पहला स्टेटमेंट हमारा क्या था कि रवांडा जो है वो लैंडलॉक कंट्री है विच इक्वेटर पासिस तो ये गलत है इक्वेटर नहीं पास हो रहा है यहां से तो ये हमारा कहाँ है दिस इज रवांडा दिस इज रवांडा और बेसिकली बेसिकलीटर हमारा ये युगांडा से पास होता है तो रवांडा से नहीं पास होता तो रवांडा जो है बेसिकली टू डिग्री के आसपास है यहाँ से नहीं पास होता दूसरा भी गलत है कि जो आपका रवांडा है वो आपका बॉर्डर्ड है रवांडा हो गया युगांडा से आपका तंजानिया से बुरुंडी से और डीआरसी से तो ये हो जाएगा तो so सेकेंड भी गलत है नेक्स्ट हो गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट किसान रिन पोर्टल किसान रिन पोर्टल इट एम्स टू रिवॉल्यूशनाइज क्रेडिट सर्विस अंडर किसान क्रेडिट कार्ड The portal is developed by NIC in collab with the Department of the Financial Service. Okay, तो पहला है आपका statement uh, credit service under किसान क्रेडिट कार्ड तो ये बिल्कुल सही है कि ये जो है क्रेडिट सर्विस सर्विस अंडर द किसान क्रेडिट क्रेडिट कार्ड पहला स्टेटमेंट सही है दूसरा स्टेटमेंट है कि इट इज डेवलप बाय एन आई सी इन कोलैब विद द डिपार्टमेंट ऑफ द फाइनेंशियल तो ये गलत है क्योंकि इट इज़ डेवलप बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज एंड डिपार्टमेंट ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ द फिशरीज आर बी आई एंड एंड डबार तो इन लोगों ने जो मिल के है इसको किसान ऋण पोर्टल को बनाया है तो किसान ऋण पोर्टल जो है किसान ऋण पोर्टल मल्टीपल गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उन लोगों ने इसको मिलकर बनाया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर भी हो गया मिनिस्ट्री एन नहीं है बेसिकली एन नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर भी हो गया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज भी हो गया एनिमल हजबेंड्री भी हो गया तो डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स uh, हैं उसने मिल बनाया है अब किसान क्रे, uh, इसमें है किसान क्रेडिट कार्ड रेवोल्यूशनरी क्रेडिट सर्विस अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड तो किसान क्रेडिट कार्ड जो स्कीम है के ये आपके इंट्रोड्यूस हुई थी 1998 के अंदर 1988 के अंदर इसके था कि किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो फार्मर को दिए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर होल्डिंग टू परफॉर्म एडोप्शन बाय द बैंक सो दैट द फार्मर मे यूज़ द रेडिली परचेज एग्रीकल्चर इनपुट सीड हो गया फर्टिलाइजर हो गया पेस्टिसाइड हो गया इस हिसाब से तो किसान क्रेडिट कार्ड जो है uh, किसान के जो है वो फार्मर को होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर होल्डिंग और इसको डेवलप किसने किया था इट्स डेवलप बाय किसान क्रेडिट कार्ड इज डेवलप्ड बाय द नबार्ड तो ये है किसान क्रेडिट कार्ड नेक्स्ट है विंडस पोर्टल रिसेंटली सीन इन न्यूज इज ए ऑफ़ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री विंड्स पोस्ट विंड्स पोर्टल सीन इन न्यूज इज इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री तो इसका आंसर है आंसर ए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर तो ये आपका ये आपका लॉन्च हुआ 2023 में बाई मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर टू लिवरेज एडवांस वेदर डाटा एनालिटिक्स टू गिव स्टेक होल्डर एक्शनेबल इनसाइट दो हजार तेईस में हुआ बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इसमें क्या होगा कि वेदर डाटा एनालिटिक्स दिया जाएगा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वर्ल्ड फेडरेशन मेडिकल एजुकेशन वर्ल्ड फेडरेशन तो पहला स्टेटमेंट है इज ए ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन इन करेक्ट बताना है इट इज अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन टू एनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ द मेडिकल एजुकेशन वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है नेशनल मेडिकल कमीशन इज नॉट रिकोगनाइज बाय तो यह बिल्कुल गलत है तो नेशनल मेडिकल जो है वो रिकग्नाइज किया गया है नेक्स्ट है पर्यूशन पर सिग्निफिकेंट फेस्टिवल एसोसिएटेड विद विच रिलीजन तो ये जो है जेनिज्म से रिलेटेड है तो श्ताम्बरा जो है आपके व्हाइट कलर वाले लोग होते हैं जो आपके देखा होगा सफेद कपड़े पहनते हैं इसमें डीप रिफ्लेक्शन और ये सारी चीजें बताई गई हैं नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग मालविया मिशन तो मालविया मिशन से क्या रिलेटेड है तो बेसिकली मालवीय मिशन जो है किसके ऊपर रखा गया है मदन मोहन मालविया के ऊपर तो बेसिकली इट इज अ टीचर टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम बाय द यूजीसी तो इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूजीसी इन एसोसिएशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मालविया मिशन इज अ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो एम करेगा टू प्रोवाइड द टेलर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द टीचर और ये बेसिकली कैपेसिटी बिल्डिंग है फॉर द फैकल्टी मेबर इन द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड uh, इसमें क्या होगा कि तो बिल्ड लीडरशिप स्किल इन टीचर हेल्प लेम रियलाइज द गोल ऑफ द एन ई पी एन ई पी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके लिए आपका उसके गोल तो ये हम लोगों ने अपना क्वेस्ट कर लिया है तो हम लोगों ने इसमें हम पी वाई की क्वेश्चन कर रहे हैं और अपने करंट अफेयर के क्वेश्चन कर रहे हैं तो देखो पीवाई की उसके क्वेश्चन हम सारे यहाँ से कर लेंगे करंट अफेयर के क्वेश्चन कर रहे हैं बाकी आप करंट अफेयर के लिए जो ए सू पी पी एस सी की मंथली मैगजीन है आप वो और आप न्यू क्वेश्चन के लिए जो है टेस्रीज ये चीज़ें आप देख सकते हैं ये प्रैक्टिस के लिए आपके बहुत बहुत है ये इतने से ही आप प्रैक्टिस कर लिए तो आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी बाकी ये प्रोग्राम है आप इसको देख सकते हैं आ, सारी डिटेल्स और व्हाट्सएप और टेलीग्राम कर सकते हैं इस नंबर पे थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट